नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2019 सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट और कट ऑफ आई है, जिससे संबंधित आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं कि किस प्रकार कट ऑफ तय की गई है, यानी 20 गुणा कैंडिडेट पास नहीं किए गए हैं, लेवल वाइज सीबीटी फर्स्ट में कैसे कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर रेलवे ने ऑफिशियली जवाब दिया है। एक अलग से यहाँ पर आप देख सकते हो, पीआईबी की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ये एक सरकारी नोडल एजेंसी है जो प्रिंट और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक मीडिया हैं उन सभी का प्रसार करने के लिए ये pib.govin इस वेबसाइट पर आज रेलवे के द्वारा ये नोटिस पब्लिश किया गया है 18 जनवरी 2022 को 1:24 PM पर। तो ये नोटिस, इसकी पीडीएफ देख लेते हैं क्या है पूरा नोटिस। तो यहाँ पर आपके जितने सवाल बन रहे हैं, तो रेलवे बता रहा है कि सम कैंडिडेट हैव रेज्ड कंसर्न्स अवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर RRB सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो ये जो स्टूडेंट रेलवे को सवाल पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से ये कट ऑफ और मेरिट तय की गई है, बहुत से विभिन्न सवाल है, तो टोटल 8 सवाल का रेलवे ने यहाँ पर ऑफिशियल जवाब देकर ये प्रिंट मीडिया में प्रचार के लिए पब्लिश कराया है। तो देखिए, अलग अलग सवाल कौन से हैं कैंडिडेट ने जो पूछे, उसका रेलवे ने क्या रिप्लाई देखिए। सवाल स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो लेवल वाइज और पोस्ट वाइज जो रिजल्ट घोषित हुआ है, इससे संबंधित स्टूडेंट की जो कंसर्न है, उसका रेलवे ने रिप्लाई दिया। रिप्लाई लास्ट में देखेंगे, पहले सवाल देखिएगा। कंसर्न्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड इन द एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशंस दैट सीबीटी स्टेज वन विल बी क्वालिफाइंग एग्जाम एंड कैंडिडेट 20 टाइम द वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो स्क्रीनिंग नेचर का है, क्वालिफाई नेचर का सीबीटी फर्स्ट एग्जाम है और 20 गुणा कैंडिडेट इसमें पास करने चाहिए, लेवल वाइज नहीं होना चाहिए। तो ये किस प्रकार रेलवे ने रिप्लाई दिया है, ये भी आपके दिमाग में जो सवाल था, इसका रेलवे ने यहाँ पर रिप्लाई दिया है। और सवाल आपके दिमाग में, शॉर्टलिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट। 7 लाख कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए, न कि 7 लाख रोल नंबर की, ये भी आपने सवाल पूछा है, तो रेलवे ने इसका भी रिप्लाई दिया है। और जो सवाल है, आरआरबी है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 से 5 टाइम। तो रेलवे है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 20 गुना के बजाय 4 से 5 गुना ही कैंडिडेट पास किए हैं। फिर स्टूडेंट बोल रहे हैं, एक ये भी बार बार मैसेज आ रहा था कि अभी क्या है कि 10 कैंडिडेट यूज टू, सामान्यतः क्या होता है 10 कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए फाइट करता है, लेकिन नाउ एनटीपीसी में जो क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 1 कैंडिडेट विल फाइट, एक स्टूडेंट है वो 10 पोस्टों के लिए फाइट करेगा, इसका भी जवाब दिया है। सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। कुछ कैंडिडेट हैं एक से अधिक लेवल में क्वालिफाई हुए हैं। और क्वेश्चन है, कट ऑफ हाई कैसे गई है, इसका भी जवाब दिया है। फिर जो ग्रेजुएशन और 10+2 से संबंधित अलग अलग कट ऑफ का, इसका भी जवाब दिया है। तो इन सभी 8 सवालों का जवाब जाने जो रेलवे ने ऑफिशियल दिया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एससी, बैंकिंग है, यूपीएससी, डिफेंस, कोई भी एग्जाम है, एग्जाम में मॉक टेस्ट लगना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कौन सा सेक्शन वीक है, इसके लिए आप प्रैक्टिस के तौर पर डेली मॉक टेस्ट जरूर लगेगा, स्पेशल अभी CBT 2 एग्जाम और ग्रुप डी के लिए। तो टेस्ट बुक पर इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाते हैं। अभी जो ऑफर चल रहा है, जिसमें पहले जो वैलिडिटी थी वो 1 साल की थी, अभी ये कुछ समय के लिए ऑफर है जिसमें 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। TTG के कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम 60 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी कुछ समय के लिए है, जरूर इसको ग्रैब कीजिएगा। टेस्टबुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इसका आप लाभ उठा सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहां पर मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए इन सभी 8 सवालों का जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल जो रेलवे ने रिप्लाई दिया है, जो कंसर्न था आपका, लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट किस प्रकार घोषित किया गया है अलग अलग सीबीटी फर्स्ट में, तो रेलवे ने वो ही सेम जो पहले वाला क्लारिफिकेशन दिया था उसी के बारे में दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया। द प्रोसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैड ऑलरेडी गिवन, जो आपको ऑलरेडी है पैरा 13 में बता रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये लेवल वाइज और पोस्ट वाइज जो कैंडिडेट को है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ये CEN नोटिफिकेशन था। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 जो टोटल 13 प्रकार की कैटेगरी उसमें दे रखी थी, जिसमें से 6 कैटेगरी है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए, बाकी जो 13 वाली टोटल 13 जो कैटेगरी है वो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी थी। दिस 13 कैटेगरी वर, ये किस प्रकार से 5 अलग अलग ग्रुप में 7 CPC के अकॉर्डिंग विभाजित थी, लेवल 2-3 जो कि 12th के लिए, 4-5-6 हैं और 2-3 ये सभी आपकी ग्रेजुएट के लिए थी। तो द स्टेज वाइज प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ईच कैटेगरी हैज ऑलरेडी, तो स्टेज वाइज तो 2 CBT वगैरह वो स्टेज होने वाला है, पहले से ही आपको 13.6 में मिलने वाला है, जो पैरा 13.6 है, ये यदि आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर बताया रेलवे ने, एवरी कैंडिडेट वाज फ्री टू ऑप्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ
दीज 13 कैटेगरी। तो कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता था इन सभी 13 कैटेगरी में, या फिर जो भी उनको उचित लगे, जो उसके लिए एलिजिबल था उनकी योग्यता के अनुसार। द रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट बता रहे हैं। जो आपने सवाल किया है लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट किस प्रकार है, तो ये सेम इन्होंने भी आंसर दे दिया है जो नोटिफिकेशन था इससे पहले भी, जो उन्होंने क्लारीफाई किया है 13.6 और 13.2 का हवाला देते हुए। तो 13.2 वाला ये बार बार आपने देखा है, रेलवे ने पहले ही बताया है कि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, तो अलग अलग लेवल पर ये एग्जाम हुआ है और सीबीटी फर्स्ट में ही अलग अलग कट ऑफ दे दी है। फिर इन्होंने 13.6 वाला भी मेंशन किया है, वो सेम बता दिया है जो भी पोस्ट है उनके लिए एक सेम सीपीसी के लिए सेम एग्जाम होगा एक ही लेवल का, और सभी अलग अलग सीपीसी के लिए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट आपका जो सवाल था उसका रेलवे का रिप्लाई जानिएगा। तो सवाल ये बता दिया मैंने, तो सवाल था कि रेलवे ने पहले ही नोटिफिकेशन बताया कि यहाँ पर ये सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होने वाला है और 20 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो रेलवे ने इसका रिप्लाई दिया है, व्हाइल द फर्स्ट स्टेज सीबीटी वाज कॉमन एग्जाम फॉर ऑल कैंडिडेट, वही पैरा 13.2 वाला ये मेंशन कर रहे हैं बार बार, नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट दैट इन द सेकेंड स्टेज सीबीटी देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जाम, जो इसमें दे रखा है सभी लेवल के लिए डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम होने वाला है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का इन्होंने इस प्रकार रिप्लाई दिया है, अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल सेल हैव ए कॉमन, जो सेम लेवल में अलग अलग पोस्ट, जैसे लेवल 2 में 3 पोस्ट हैं, 5 में काफ़ी पोस्ट हैं, तो उनके लिए एक एग्जाम होगा, लेकिन लेवल वाइज यहाँ पर 5 अलग अलग एग्जाम होंगे। देयर फॉर इफ़ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल, यदि कोई कैंडिडेट एलिजिबल है एक से अधिक लेवल में उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ही या फिर सी विल हैव टू अपियर इन द कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच लेवल के लिए, वो अलग अलग उन एग्जाम में अपियर होने वाला है, और ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट विल बी डिफरेंट, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की पोस्टें आ जाती हैं। तो रेलवे ने कुछ इस टाइप से ये सेम रिप्लाई दिया, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्वालिफाइंग एग्जाम का जो आपने स्पेशल इसी सवाल में पूछा है, रेलवे ने रिप्लाई दिया है क्वालिफाइंग के लिए रेलवे ने यही बताया है कि अलग अलग लेवल जो डिफिकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप सीबीटी में जा सकते हो, चाहे क्वालिफाइंग या फिर 20 टाइम वाला, अभी तक इसमें ये बताया है लेवल वाइज किया गया है। फिर जो आपका सवाल है, कैंडिडेट है वो 7 लाख पास किए जाने थे, न कि 7 लाख रोल नंबर, तो रेलवे यहाँ पर बता रहा है कि हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। देखिए, नो वेयर वाज इट मेंशन दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कैंडिडेट पास किए जाएंगे, रेलवे बोला नोटिफिकेशन में हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि 7 लाख यहाँ पर एक बिल्कुल अलग से यूनिक कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए। तो ये बता रहा है कि सिंस इस सेकेंड स्टेज कंजिस्ट ऑफ सीबीटी ऑफ 5 डिफरेंट लेवल एंड कैंडिडेट कैन बी शॉर्ट लिस्ट फॉर मोर देन वन लेवल एज पर उनकी योग्यता के अनुसार, एक कैंडिडेट एक से अधिक लेवल में एलिजिबल है जो मेरिट और ऑप्शन 7 लाख रोल नंबर जरूरी हैं जो कि 20 गुना है, विल हैव सम नेम्स अपीयरिंग मोर देन, किसी कुछ कैंडिडेट के नाम एक से अधिक लेवल में आ सकते हैं। तो ये रेलवे ने इसका ये रिप्लाई दिया है कि 7 लाख अलग अलग कैंडिडेट का हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। फिर आपका सवाल है, RRB हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी है, जैसे कि एक कैंडिडेट बार बार रिपीट हो रहा, तो स्टूडेंट ने सवाल किया कि 20 गुना तो नहीं होगा, बार बार 4 बार नाम आ रहा तो आप भाग देंगे, तो 5 गुना ही होना चाहिए, जो स्टूडेंट ने सवाल किया पर दिया है, और रेलवे ने इसका क्लैरिफाई करते हुए आंसर दिया है, द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल और पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स, वही उन्होंने बता दिया कि लेवल वाइज यहाँ पर हमने 20 गुना दिए हैं, जैसे कि हमने विज्ञप्ति में भी दिया था एज एलाब्रेटेड, वो 13 है नोटिफिकेशन है, उसमें बताया था कि लेवल वाइज होगा। द लिस्ट कंटेन अबाउट 7 लाख रोल नंबर विच इज 20 टाइम नोटिफाइड वैकेंसी है, उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट भले ही, लेकिन रोल नंबर यहाँ पर 7 लाख रेलवे ने बता दिया है। अब फिर जो एक सवाल आया है, 10 कैंडिडेट यूज टू, ये वाला कि पहले क्या होता था कि 10 विद्यार्थी एक पोस्ट के लिए फाइट करते थे, अभी 1 विद्यार्थी 10 पोस्ट के लिए, जो आपका सवाल था, रेलवे बोल रहा है कि 35,000 अलग अलग कैंडिडेट जो फाइनल सिलेक्शन है वो 35,000 अलग अलग का ही होने वाला है, ये श्योर किया रेलवे ने, एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली, एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए ही अपॉइंट होगा, वो तो होता ही है, एक से ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो यही रेलवे ने इसका बताया आंसर कि ये वाला जो सवाल था आपका 10 वाला। अब जो एक और सवाल है कि सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड टू मोर देन, एक से अधिक लेवल में क्वालिफाई किए हैं, तो रेलवे ने जवाब दिया है, सिंस ईच लेवल विल हैव सेपरेट सेकेंड स्टेज, प्रत्येक लेवल की अलग अलग सेकेंड स्टेज सीबीटी होना है, उनकी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, ए कैंडिडेट वो हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर हायर लेवल पोस्ट कैनॉट बी डिबार्ड,
ठीक है, एक कैंडिडेट है वो हायर लेवल पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है तो वो उसको दीवार रेलवे नहीं कर सकता है, लोअर लेवल में भी उसको कंसिडर किया जाएगा, उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग है, इसलिए वो अलग अलग लेवल में सेलेक्ट हुए हैं तो टॉपर को दीवार नहीं करना चाहते। कट ऑफ आर वेरी हाई, अब कट ऑफ आर वेरी हाई है ये इन्होंने बताया है, इसका आंसर देखिएगा, द कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ गए हैं तो रेलवे ने कहा कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है आपको, नॉर्मली हायर देन रो स्कोर से ज़्यादा नॉर्मलाइज मार्क हुए हैं। आल्सो कट ऑफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी है, कट ऑफ वैकेंसी की संख्या के आधार पर भी निर्भर करती है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो 10+2 की वैकेंसी कम थी तो इसमें आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली है। कैंडिडेट एक्रॉस यानी 21 आरआरबी की टोटल 35,000, प्रत्येक आरआरबी में 35,000 तो टोटल थी, जिसमें 10+2 की थी ये 10,500। तो वेयर ग्रेजुएट कैंडिडेट आर एलिजिबल कट ऑफ फॉर 10+2, जहाँ पर ग्रेजुएट भी एलिजिबल हुए हैं तो वहाँ पर कट ऑफ हायर जानी है, ऐसा रेलवे ने रिप्लाई दिया है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को बताते हुए। फिर आपका जो सवाल था कि ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो एक अनुचित रूप से लाभ ले रहे हैं 10+2 लेवल की पोस्टों का, तो इसका रेलवे ने जवाब दिया है, द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट हैव बीन डन टू सेव टाइम एंड एनर्जी, तो समय और आपकी ऊर्जा है उसको बचाने के लिए, यानी तैयारी करने में जो मेहनत वगैरह है उसको सेव करने के लिए उन्होंने एक ही एग्ज़ाम लिया है। आपने कंसर्न किया कि 10+2 और ग्रेजुएट का अलग अलग लेना चाहिए, लेकिन रेलवे बोल रहा है कि हमने सीबीटी फर्स्ट है, स्टैंडर्ड सीबीटी फर्स्ट का रखा है, वो 10+2 के आधार पर रखा है, ऐसा नहीं ग्रेजुएशन लेवल पर रख दिया तो 10+2 को दिक्कत हो जाए, तो 10+2 के आधार पर ही रखा है तो 10+2 को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। तो लेवल सो एज टू नॉट टू पुट डिसएडवांटेज टू 10+2 लेवल स्टूडेंट एंड इट इज़ ओनली इन CBT 2 दैट स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट, तो CBT 2 में ये बता रहे हैं कि 10+2 का अलग होगा, बाकी सभी लेवल का अलग अलग एग्जाम होने वाला है। तो ये कुछ आपके सवाल थे, 8 सवाल हैं, मेन रूप से यही सवाल आ रहे थे और रेलवे ने यहाँ पर जो अपना नोटिफिकेशन है उसका पूरा एक विस्तार से वर्णन आपके सामने रखा है। अब आपको कमेंट करके बताना है क्या रेलवे ने इसका सही जवाब दिया है या फिर नहीं दिया, तो किस प्रकार से इसमें गड़बड़ी है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें।